हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे कावेरी नदी की। हम आपको बताएंगे कावेरी नदी के उद्गम स्थान के बारे में और कावेरी नदी की सहायक नदियों के बारे में, साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे कावेरी नदी संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें कावेरी नदी ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है, यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थान है कर्नाटक, और कर्नाटक में पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट में है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इससे पहले हमने आपको बताया था कृष्णा नदी के बारे में, हमने आपको बताया था कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। हमने आपको बताया था गोदावरी नदी के बारे में, हमने आपको बताया था कि गोदावरी नदी का भी उद्गम स्थान महाराष्ट्र में है, लेकिन गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ से निकलती है, और वहीं कर्नाटक में से निकलती है कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ से। हम आपको ये भी बता दें, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे दक्षिण गंगा तो आपका आंसर होगा गोदावरी, एग्जामिनर आपसे पूछे दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा तो आपका आंसर होगा कावेरी। अब बात करें आगे, ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कावेरी नदी। ये नदी एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है जिसे दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है, यानी गार्डन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है गार्डन ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का बगीचा किस नदी के डेल्टा को कहा जाता है, आपका आंसर होगा कावेरी नदी। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियां अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मणी तीर्थ, सिमसा, काबेनी, भवानी, हरंगी आदि, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, और इसका उद्गम स्थान कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़, और ब्रह्मगिरी पहाड़ जो कि पश्चिमी घाट में है। थैंक यू।